So now we start our second question express as rupees using decimals. यह है पैसा, पैसा उसको आपने रुपीस में चेंज करना है यूजिंग डेसिमल्स. पैसा इज लेस देन रुपीस. वन रुपी हैज़ हाउ मैनी पैसाज. वन रुपी में कितने पैसे होते हैं, दैट इज 100 पैसा. ठीक है, मीन्स 100 पैसा से क्या बनता है, वन रुपी बनता है. तो जब हमने रुपीस से पैसों में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. और जब हम पैसों से रुपीस में जाते हैं सो वी डिवाइडिंग बाय 100. क्लियर, मीन्स छोटे से बड़े में जाना है तो वो हम डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई. सो हेयर 7 पैसा. सो वन रुपी हैज, वन पैसा हैज़, वन पैसे में कितने रुपीस होंगे, दैट इज़ 1/100. क्लियर, वो 100 पैसा में 1 रुपी होता है ना. सो 1 पैसा में कितने रुपीस हो गए, 1/100. तो 7 पैसा में कितने हो जाएंगे, यू डिवाइडिंग बाय 100. आपने 7 को 100 से डिवाइड कर देना है तो क्या बन गया, अब नीचे 2 जीरोस आ गई हमारी. तो 2 जीरोस को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देयर इज वन डिजिट इन द न्यूमरेटर देन 0.0. ये हमारा क्या बन गया, रुपीज 0.07. क्लियर, सेम एज इट इफ यू हैव फोर्थ पार्ट, दिस इज 50 पैसे. अब आपके पास 50 पैसे हैं सो वन पैसा में कितने रुपीज़ हो गए, दैट इज 1/100. सो 50 पैसा में कितने हो जाएंगे, दैट इज डिवाइडिंग बाय 100. तो अब इसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, देयर इज ए रुपीज़ सबसे पहले लगाएंगे रुपीज़. अब ये 50 नीचे क्या है, 2 जीरोज़ है हमारी तो 1, 2 देन प्लेस डेसिमल, तो दिस इज 0.50 रुपीज़. क्लियर,